नमस्कार, वेलकम, अभिनंदन, आभार। उन्नति कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड, ये है पार्ट 10 रेलवे स्पीडी वॉल्यूम 2 का। इसमें हम कवर करेंगे आज 42 एमसीक्यू क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चंस आपने भी अटेम्प्ट करने हैं, और आपका जो भी स्कोर बनता है फटाफट से मुझे वीडियो के एंड में कमेंट में लिख कर भेजना है। स्कोर कम आता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा कि आपको किस तरह से फॉलो करनी है अपनी स्टडी। मैं आपको पक्का कमेंट करूंगा कि आपको किस तरह से स्टडी करनी है। आपसे बात भी करूंगा मैं शायद कॉलिंग पे या फिर व्हाट्सएप कॉलिंग पर। तो बस ये है कि आप अटेम्प्ट करिए, एक बार काउंटिंग देखिए 1 से लेकर के 42 तक, और एक ही क्वेश्चन पे अपना 100% दीजिए। ट्राई करिए कितना सही कितना गलत, खुद को चेक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि बंगाल में कर का स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी। स्थायी बंदोबस्त, तो आपको सबसे पहले इस शब्द पे फोकस करना है। बात कर रहा है ये सिस्टम किसने लागू किया था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कार्नवालिस और लॉर्ड रिपन। ठीक है, अब इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका कॉर्नवालिस। आपको पता है कॉर्न क्या होते हैं, पॉपकॉर्न क्या होते हैं? तो पॉपकॉर्न क्या होते हैं, बच्चों को बड़े अच्छे लगते हैं। तो स्थाई का मतलब क्या होता है, बिल्कुल फिक्स हो जाना, जिद्दी हो जाना एक तरह से। बच्चे क्या होते हैं, अपनी जगह पे क्या होते हैं, अगर पॉपकॉर्न देखते हैं मार्केट में तो बिल्कुल जिद्दी हो जाते हैं कि हमको तो पॉपकॉर्न खाने हैं, हमें नहीं पता। तो कॉर्न पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न मतलब बच्चे, बच्चे का मतलब स्थित। तो जिस बच्चे को अगर याद नहीं होते हैं ये सब टिपिकल नाम, तो वो इस माध्यम से याद कर सकते हैं, राइट। बड़े क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। लॉर्ड बेंटिंक को, लॉर्ड मैकाले को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को या फिर चार्ल्स ग्रांट को। तो सेकंड का जो राइट आंसर है वो है आपका डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने रखा था। पहले क्या था, पहले केवल हिंदी हिंदी होती थी, इंग्लिश से हम लोगों को कुछ नहीं पता कि ABCD क्या होती थी। तो इंग्लिश की जो एंट्री करी भारत के अंदर किसके द्वारा हुई थी, वो लॉर्ड कौन था, चार्ल्स ग्रांट, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। तो थर्ड का जो राइट आंसर है वो है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 4, अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की खोज कब करी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये वर्ष दिए गए हैं 1867, 1835, 1901 एंड 1979। तो 4 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 1867। क्वेश्चन नंबर 5, नोबेल पुरस्कार किसके पुण्यतिथि पर उनके याद में प्रदान किया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्फ्रेड नोबल, न्यूटन एंड लुई पाश्चर। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अल्फ्रेड नोबल बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 की अर्थशास्त्र का नोबल पहली बार किस वर्ष दिया गया। 1960, 1967, 1969 एंड 1985। 6 राइट आंसर सी, 1969। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 की भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी। 1965, 1970, 1978, 1968। देखिए इसी स्पीड से आपको क्वेश्चंस पढ़ना भी है, राइट आंसर भी देना है। मुझे पता है कि मेरी स्पीड फास्ट है, बट इतनी भी फास्ट नहीं है कि आप पढ़ ना पाए। इसी स्पीड से आपको भी पढ़ना है, टाइम बचाना है एग्जाम में। तो 7 का जो राइट आंसर बनेगा आपका, ये बनेगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था। विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। तो 8 का राइट आंसर आपका विलियम बेंटिंक। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने करी थी। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेजली, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी। तो 9 राइट आंसर सी, रॉबर्ट क्लाइव।
अगला है क्वेश्चन नंबर 10। अल्फ्रेड नोबल किस देश के निवासी थे? इंग्लैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस। 10, राइट आंसर स्वीडन। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 की राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? 1961, 1980, 1985 और 1996। 11, राइट आंसर ए 1961। क्वेश्चन नंबर 12 है कि शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन। 12, राइट आंसर लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 13, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 4, 5, 6, 7। 13, राइट आंसर 6। कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। 14, राइट आंसर सी लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 15, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले प्रथम भारतीय कौन थे? अमर्त्य सेन, मदर टेरेसा, सीवी रमन या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है रियल में, और इसका राइट आंसर रहेगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर। तो इनको जो ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था, नोबेल पुरस्कार, इनकी एक पुस्तक थी, इसका नाम था गीतांजलि। गीतांजलि पुस्तक 1911 में तो प्रिंटिंग हुई थी, मार्केट में लॉन्च हुई थी। 1913 में इनको उस पुस्तक के लिए ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कभी कभी पुस्तक का नाम आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1945, 1950, 1956, 1965। 16, राइट आंसर सी 1965। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1975, 1979, 1985, 1990। 17, राइट आंसर बी। अगला है क्वेश्चन 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे सामने। कैलकाटा में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? लॉर्ड रिपन, विलियम बेंटिंक, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड माउंटबेटन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी लॉर्ड वेलेजली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली, विलियम बेंटिंक। तो 19 का राइट आंसर होगा आपका बी। अगला है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20। भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना की गई थी? कानपुर में, लखनऊ में, मुंबई में, खड़गपुर में। 20, राइट आंसर डी खड़गपुर में। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? डॉक्टर सीवी रमन, नेल्सन मंडेला, डॉक्टर सुकर्णो, रविंद्रनाथ टैगोर। 21, राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन 22 है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबल शांति पुरस्कार दिया गया? 1910, 1913, 1915, 1920। 22, राइट आंसर बी 1913। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन। 23, राइट आंसर डी। 24 नंबर है हमारे सामने क्वेश्चंस। डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? 1990, 1995, 1998, 2001। 24 का राइट आंसर बनेगा आपका सी 1998। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। 25, राइट आंसर डी लॉर्ड रिपन। बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था?
लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, लॉर्ड डलहौजी। 26 राइट आंसर लॉर्ड कर्जन। 27 नंबर है, बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। 27 राइट आंसर बी। 28 नंबर है, विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी। 28 राइट आंसर बी। 29 नोबेल पुरस्कार के तहत अधिकतम कितने व्यक्ति को संयुक्त विजेता घोषित किया जा सकता है? 2, 3, 4, 5। 29 राइट आंसर 3। 30 नंबर है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच, हंटर आयोग, रैले आयोग या फिर सैडलर आयोग। तो 30 का राइट आंसर है आपका वुड डिस्पैच। अगला है 31, भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में किसके शासनकाल में की गई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड जेम्स फोर्ड, लॉर्ड कैनिंग। 31 राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में सहायक संधि के जन्मदाता कहा जाता है? बिस्मार्क को, लॉर्ड वेलेजली को, डुप्ले को, कैनिंग को। 32 राइट आंसर सी। 33, भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा की गई? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेजली, विलियम बेंटिंग। 33 राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 34, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन है? एलिजाबेथ प्रथम, मेरीना, लेडी स्कारले, मैडम क्यूरी। 34 मैडम क्यूरी। लॉर्ड मेकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की 1819, 1835, 1809, 1817। 35 राइट आंसर बी। 36, विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? हरगोविंद खुराना, सीवी रमन, चंद्रशेखर राव, अमर्त्य सेन। 36 राइट आंसर बी। 37, ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त की गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड क्लाइव। 37 राइट आंसर सी, विलियम बेंटिंक। 38, अंग्रेजी शिक्षा भारत में किस वर्ष लागू हुई? 1835, 1845, 1858, 1885। 38 राइट आंसर ए। 39, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1967, 1969, 1998, 1901। 39 राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारतीय शिक्षा में 10+2+3, ये जो हमारी एजुकेशन होती है, अगर हम 12वीं होते हैं तो हम क्या लिखते हैं? 10+2। अगर हम ग्रेजुएट होते हैं 10+2+3 लिखते हैं, 10वीं के लिए केवल 10 लिखते हैं। ये जो सुझाव था किस आयोग ने पहली बार दिया था? अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना इसको। हंटर आयोग, कोठारी आयोग, सैडलर आयोग या फिर रेले आयोग। तो 40 का राइट आंसर है आपका कोठारी आयोग। क्वेश्चन नंबर 41, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाता है? ये डेट आपसे पूछ रहा है। 10 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर। 41 राइट आंसर 10 दिसंबर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी,
लॉर्ड जेम्स फोर्ड या लॉर्ड रिपन 42। इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है और ये है आपका सी, लॉर्ड जेम्स फोर्ड। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड तक फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करिएगा। अगर आपने ईमानदारी से वीडियो देखा है तो अपना कमेंट्स में अपना स्कोर आप मुझे पक्का भेजेंगे। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड